चलिए दोस्तों, आज हमारे पास आ चुकी है बोट की तरफ से बिगेस्ट 2.01 इंचेस वाली स्मार्ट वॉच, जो सिर्फ आपको 1300 रुपए मिलेगी। जी आपने करेक्ट सुना, एंड ये स्मार्ट वॉच है बोट वेव सिग्मा। और देखिए, ये एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच नहीं है, ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच है। और भी कई सारे आपको इसमें अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे। लाइव आप क्रिकेट स्कोर भी यहाँ पे वॉच में देख सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये एक इंप्रेसिव स्मार्ट वॉच है। क्यों इंप्रेसिव है ये आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। और उसी के साथ में, अगर आप 1500 रुपए के अंदर एक बेस्ट स्मार्ट वॉच देख रहे हो, वो भी ब्रांड वाली, तो ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, सारी चीजें आपको ये वीडियो में पता चल जाएगी। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, बॉक्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा बोट वेव सिग्मा स्मार्ट वॉच का। बॉक्स के बैक साइड में बहुत सारे हाइलाइटिंग फीचर्स मेंशन है। जैसे यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई है। सबसे पहले आपको मिलती है स्मार्ट वॉच, उसके बाद में मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, और बहुत सारे स्टिकर्स भी आपको इसमें दिए गए, और काफ़ी सारा पेपर वर्क है, यूज़र मैनुअल भी आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पे वारंटी कार्ड है, जहाँ पे आप इजीली बार कोड को स्कैन करके वारंटी को रजिस्टर कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको ये भी बोल दूँ कि ये स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको बोट क्रेस्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके मोबाइल फ़ोन में, और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जस्ट आप लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन करा हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ पे परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा। देन उसके बाद में काफी सारे आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस लिस्ट होंगे, जो भी आपकी स्मार्ट वॉच आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे यहाँ पे बोट वेव सिग्मा है, तो यहाँ पे मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, थोड़ी विद इन सेकेंड्स के बाद में वॉच यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगी। आप यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह से वॉच कनेक्टेड हो गई है। उसके बाद में सारे आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वॉच फेसेस है, 700 प्लस आपको वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगता हो, वो आप सेलेक्ट करके वॉच फेस यहाँ पे वॉच के स्क्रीन पे रख सकते हैं। और साथ ही में आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं डिस्प्ले के स्क्रीन को, और अगर आप आपकी फोटो भी रखना चाहते हैं, वो आप एप्लीकेशन में जाके रख सकते हैं। उसके साथ में जितने भी बेसिक फीचर्स होंगे ना, जिसको आपको कस्टमाइज करना होगा, सेटिंग करनी होगी, ये आप एप्लीकेशन में आके सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्मार्ट वॉच का डिजाइन है, ये आपको स्क्वायर टाइप देखने को मिलेगा। राइट साइड में अगर आप देखोगे, आपको एक नॉर्मल सा बटन दिया गया है, बट ये दिखने में क्रॉन बटन जैसा आपको लगेगा। और उसी के राइट साइड में माइक है, पीछे के साइड में सारे सेंसर्स मेंशन है। लेफ्ट साइड में अगर आप वॉच के देखोगे, आपको स्पीकर मिल जाएगा। एंड अगर आप स्ट्रैप्स क्वालिटी की बात करते हो, आपको गुड क्वालिटी के नॉर्मल से आपको स्ट्रैप्स मिलेंगे सिलिकॉन के। जी हाँ, बोलूंगा कि क्वालिटी डिसेंट है, अच्छी सी आपको मिल जाएगी इस प्राइस सेगमेंट में। और अगर आप स्ट्रैप्स को मोल्ड करते हो या फिर फोल्ड करोगे, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अच्छी सी क्वालिटी के हैं। और साथ ही में अगर आप ये स्ट्रैप्स को चेंज करके कोई और फ्यूचर में स्ट्रैप्स लगाना चाहते हो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्प्ले की बात करते हैं। आपको ये स्मार्ट वॉच में 2.01 इंचेस की 240x296 पिक्सल्स रेजोल्यूशन की एक HD डिस्प्ले मिलती है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ यही बोलूँगा, डिस्प्ले टोटली इंप्रेसिव है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही कम स्मार्ट वॉचेस होंगे जो आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड करते होंगे। बट ओवरऑल डिस्प्ले मुझे अच्छी लगी, साइड के बजल से अगर आप देखोगे बिल्कुल भी नहीं है, और चीन साइज आपको कम देखने को मिलता है। और ये भी मैं आपको बोलूँगा, अगर आप ब्लैक कलर के वॉच फेसेस यूज़ करते हो, डेफिनेटली आपको एक बेजल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बट अगर आप कलरफुल वॉच फेसेस यूज़ करोगे, थोड़ा सा आपको चीन साइज देखने को मिल सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ब्लैक वॉच फेसेस यूज करोगे, डिस्प्ले आपको अच्छी सी मिलेगी। एंड उसी के साथ में जो डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स है, ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, स्मूथ ही है, लैग आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एंड इसमें आपको 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, ब्राइटनेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, डिम बिल्कुल भी नहीं है। इंडोर के साथ साथ आउटडोर में ब्राइटनेस आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगी। और अगर आप आपकी फ़ोटो रखना चाहते हो, एप्लीकेशन में जाके रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है। और आप यहाँ पे डिस्प्ले को कस्टमाइज भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। सिर्फ आपको इतना बोलूँगा, डिस्प्ले मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और यही सबसे बड़ा की फैक्टर है ये स्मार्ट वॉच को परचेस करने का। और उसी के साथ में, जैसे कि मैंने आपको बोला है, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे आप यहाँ पे वॉच से कॉल कर सकते हैं, देन उसके बाद में बात करेंगे कॉलिंग की। आप देखिए, ये स्मार्ट वॉच से कॉल करने के लिए आपको ये पावर बटन पे प्रेस करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे इस पर प्रेस करूंगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है कॉल का, जहाँ पे मेन्यू बार में। जैसे मैं यहाँ पे कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे तीन ऑप्शन है। फर्स्ट है डायलर, जहाँ पे आप जाके इजीली नंबर को डायल कर सकते हैं। एंड जो भी आपने कॉन्टैक्ट सेव किए होंगे एप्लीकेशन के थ्रू, आपको यहाँ पे फोन बुक में मिल जाएंगे। एंड जितने भी आपको कॉल्स आए होंगे, यहाँ पे आपको कॉल हिस्ट्री में वो कॉल
कॉल भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट मैं डायलर में जाता हूँ, जैसे डायलर में जाऊँगा यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 198 पे यहाँ पे टाइप कर लूँगा और यहाँ पे आपको ये भी बोल दूँ आप इसे यहाँ पे कट भी कर सकते हैं अगर आपने रॉन्ग डायल किया है तो। यहाँ पे 198 पे मैंने ये कर लिया है, उसके बाद जैसे मैं कॉल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए कॉल कनेक्ट हो चुका है। और आप देखिए जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है काफ़ी सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे कॉलिंग में। सेंटर में ऑप्शन मिलता है कॉल को डिस्कनेक्ट करने का, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है कॉल ट्रांसफर का, जहाँ पे आप टैप करके वॉच से आप कॉल को ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल फोन में, आप टैप करके वापस से आप यहाँ पे वॉच में कॉल रख सकते हैं। राइट साइड में आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप क्लिक करके वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए टाइमिंग मतलब ड्यूरेशन भी आपको पता चल जाएगा वॉच के स्क्रीन पे कि आप कितने टाइम से यहाँ पे बात कर रहे हो, और जो भी नंबर से कॉल आएगा वहाँ पे आपको नेम भी शो करेगा। देखिए साहब आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा, ये स्मार्ट वॉच में जो प्राइस पॉइंट पे आता है कॉलिंग फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए और इंटरफेस मुझे और भी बेटर लगा है। और जो माइक है ना ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पीकर तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा है। जी हाँ देखिए मैंने सभी चीज़ें टेस्ट की है कॉलिंग में, मुझे बेटर लगी, हर चीज़ आपको अच्छी मिल जाएगी ये स्मार्ट वॉच के कॉलिंग में, कोई भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको बोला है लाइव स्कोर आप ये स्मार्ट वॉच में देख सकते हैं, बट उसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाना होगा, देन माई वॉच में आप जाइए, नीचे की साइड में आपको क्रिकेट स्कोर का ऑप्शन मिलेगा उस पर आप टैप कर लीजिए। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको इसे इनेबल करना होगा, विद इन सेकेंड्स में ये इनेबल हो जाएगा, उसके बाद में आप लाइव क्रिकेट स्कोर या फिर फुटबॉल स्कोर आप यहाँ पे वॉच में देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप बैटरी की बात करते हो कि कितने दिन तक ये स्मार्ट वॉच में बैटरी चलेगी, कैसा बैटरी बैकअप है, देखिए मैं इसे हाई ब्राइटनेस पे यूज कर रहा हूँ और जो बोलूंगा कि बैटरी है बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा बिल्कुल भी ड्रेन होती नहीं है। एंड मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी बहुत ही कम ड्रेन होती है। अगर आप मेरे हिसाब से बात करते हो ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में यूज करोगे तो 2 दिन आराम से चल जाएगी, अगर आप नॉर्मल यूजेज करते हो तो मेरे हिसाब से 1 हफ्ता आराम से स्मार्ट वॉच चल जाएगी, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा सा इसमें मिल जाएगा। एंड लास्ट वन अगर आप अदर फीचर्स की बात करते हो, ये जो स्मार्ट वॉच है ना ये IP67 वाटर रेसिस्टेंट स्मार्ट वॉच है, उसी के साथ में आपको इसमें अलार्म का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अलावा आपको जितने भी नॉर्मल फीचर्स है ये भी मिल जाएंगे, वॉइस असिस्टेंट है, हार्ट रेट, ब्रीथ एक्सरसाइज, SPO2, ये सभी चीज़ें इसमें दी गई है, बट जो कैलकुलेटर है ये आपको इसमें नहीं मिलता है, बट ओवरऑल जितने भी बेसिक फीचर्स हैं सभी ये वॉच में दिए गए। अगर आप डायरेक्ट मेरे ओपिनियन की बात करते हो, देखिए ये जो स्मार्ट वॉच है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी ये प्राइस पॉइंट पे, 1300 में आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हैं, 1500 रुपये के अंदर ये वन ऑफ द मेरे हिसाब से बेस्ट स्मार्ट वॉच है। और ये स्मार्ट वॉच के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट के थ्रू कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूंगा। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए और कुछ इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।